गाइस, तो आज लोकेशन में चेंज है क्योंकि मैं घूमने आई हूँ बाहर, बट वीडियो नहीं बनाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आयशा और मनारा ने फिर एक बार टारगेट किया है मुनव्वर को वीकेंड के वार के टास्क में। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मुनव्वर वाली जो प्रॉब्लम है इन लोगों की, ये समाप्त कैसे नहीं होती। तो इस बारे में हम बात करेंगे, पहले मैं रिएक्ट करूंगी एंड उसके बाद में हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। ओके, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है बिकॉज मैं इक्विपमेंट लेके नहीं आई, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना एक दिन। वो कौन एक सदस्य है जिसकी गाड़ी लूजर स्टेशन पे आके रुकी है? पहले वो खुल के स्टैंड लेते थे बट अभी उनके ऊपर खुद एक चीज आई तो उन्होंने खुल के स्टैंड नहीं लिया। आई होप ही लर्न्स फ्रॉम दैट। यू आर अ लूजर। अपना स्टैंड नहीं लेते हैं और अपने रिश्ते बचाने के लिए ये झूठा झूठा स्टैंड लेना अभी शुरू किया इन्होंने नया नया। यू आर अ लूजर। This was the worst attack. मैंने अपने सलीके से सर हमेशा गेम खेला है और किसी के लिए मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं। अब चलो शादी ना, आपका बेटा और मेरा बेटी शादी। ये शादी पे ही लगे हैं। अरुण का चेहरा। मैंने आप सबकी जर्नीज देखी है, आपकी इंडिविजुअल जर्नीज देखी है, आपके उतार चढ़ाव देखे हैं। When you've suffered, I've seen it. When you've cried, I've seen it. When you've been put in a situation, जब कोई सहारा नहीं था और लोग बस टूट पड़े, मैंने वो देखा है। आपकी सारी कहानियां मैंने सुनी है। आप सबका जो सफर रहा है ना कहीं I don't know about audiences, लेकिन ये personal राय है। Somewhere I felt you needed this very essentially. But इसमें मनारा का क्यों है? Okay. मतलब मनारा क्यों include है? हाँ सर, thank you so much. That was cute. Sorry, thank you. No, don't worry. God bless you. Oh. Thank you so much. You stay strong. Yeah? You're a self-made, strong woman. God bless. कोई फर्क नहीं है। सब कुछ ठीक है, everything is good. बाकी सबके मुंह उतरे होंगे फिर। Lovely to see you, my darling. Oh my God. Sorry, worry. मेरा हाथ दर्द हो रहा है। Because मैं सब जानता हूँ कि अंदर जो भी है मुश्किल हालात हैं और आप सबके लिए कठिनाइयों का सफर रहा है। बहुत सारे बाधाएं आप सबके रास्तों में आए हैं और कभी कभी हमारी खुद की जो पर्सनैलिटीज है ना उनका कुछ हो ही जाता है इस वातावरण में। तो हाँ। ह्यूमन बीइंग एज एन ऑब्जर्वेंट पर्सन मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ ऑब्जर्व किया है। तो मेरी ये चाहत थी कि मैं आपको ये जादू की झप्पी दे दूं और मैं चाहता हूं उस झप्पी के साथ मेकर्स ने बोला होगा आप वापस अंदर जाएं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आर्ट, मुझे लगा कि इनको इस झप्पी की सख्त जरूरत है। इन छोटे छोटे जेस्चर्स ने ना बहुत कुछ छुपा होता है। सो समटाइम्स आई टेंड टू डू दैट। आई हैव टू चिल्ड्रन एट होम, आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप्स, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, तो मैं जानता हूं कि झप्पी का जो इम्पैक्ट है उसका ताकत जो है वो क्या है। मैं समझता हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं विक्की जितना परफेक्ट नहीं हूं, मैं ऐसा ही हूं कि मुझे अपनी लाइफ में एक परफेक्ट सा कोई डॉल चाहिए जो चाबी पे चले, फिर उसकी फीलिंग से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो आपकी इंटाइटलमेंट है, शी इज योर डॉल, उसमें फीलिंग्स तो होती नहीं क्योंकि वो चाबी पे चलती। इतनी बड़ी बात बोली ना। मैं आयशा जितना महान हूं जिन्होंने मोहल्ले से बाहर होने के डर से फेमिनिज्म का नारा लगाते हुए उन औरतों की इज्जत की ढचिया उड़ाई जो इस शो का हिस्सा भी नहीं। थैंक यू करण जोहर। और ना ही मैं ईशा की तरह इंटेलिजेंट हूँ, आई एम नॉट, सॉरी आई एम जस्ट नॉट, जो अपने खुद के यूज एंड थ्रो रिश्तों को बुलाकर दूसरों के यूज एंड थ्रो रिश्तों पर दुनिया भर का ज्ञान दे सकूं। अभिषेक और समर्थ, आप डिसाइड कीजिए बिना लड़े कि मेरे जाने के बाद कौन हो रहा है यूज, कौन हो रहा है थ्रो। तो आज इन तीन दिग्गज खिलाड़ियों की महान सोच जो है उसको हम सलाम करते हैं। देखिए, इन तीनों को लगता है कि इस घर में जो भी बातें होती हैं उनका मोहल्ले के चौपाल में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बातें चौपाल में नहीं आई तो इनका एंटरटेनमेंट कैसे आएगा। एंटरटेनमेंट दूसरों को पिछले 12 हफ्तों से इन तीनों ने आप चारों का तमाशा बनाया है। वो चार जिनको मैंने आज झप्पी दी, अभिषेक, मुनव्वर, मनारा, अंकिता, एंड आई प्रॉमिस यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स द टेबल्स विल टर्न टुडे। आई प्रॉमिस यू दैट।
तो आप भी खूब ताली बजाना और एंजॉय करना जब इनका अब तमाशा हो, समझे आप? जी सर। तो ईशा, इस हफ्ते आपने पूरे जगत को, करण ने लगाया ईशा पर फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का इल्जाम। नेशनल टेलीविजन पर ईशा की पोल, दूसरों को जज और कमेंट करना ईशा को पड़ा भारी। जी हाँ, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 17 के घर में रह रही ईशा मालविया की जमकर लगी क्लास। ईशा पर लगा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का आरोप। जी हाँ, जैसे ही बिग बॉस के घर में करण की एंट्री हुई, वैसे ही करण घर वालों की जमकर क्लास लगाते नजर आए। इस दौरान ईशा को एक स्पेशल चेयर पर करण ने बैठाया और बताया कि किस तरह ईशा नेशनल टेलीविजन पर दूसरों के मुद्दों को उछालती है, उन्हें ड्रैग करती है और फैलाती है, जिसके कारण बन चुका है घर वालों का तमाशा। इस दौरान मुनव्वर और आयशा के रिश्ते पर बात करने पर जहां करण ने ईशा को कंपेयर किया और बताया कि किस तरह ईशा अपना इतिहास भूल चुकी है, वो खुद ऐसे रिलेशन में रह चुकी है जहाँ पर वो फंस गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें जज नहीं किया, तो फिर आखिर ईशा को किसने हक दिया कि वो दूसरों के रिश्ते पर कमेंट या फिर जज करे और इस तरह नेशनल टेलीविजन पर उनके मुद्दों को उछाले। हालांकि जहां ईशा करण के सामने अपने पॉइंट रखती नजर आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो वही करण काफी ज्यादा भड़क गए ईशा पर, साथ ही दिया उन्हें रियलिटी चेक, दिखाया आईना। सबसे पहले आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ कैमरा का, मैंने हाथ में पकड़ा था, आई थॉट मैं आराम से पकड़ सकती हूँ फॉर 5 मिनट्स, बट वैसा नहीं था। एंड मैंने कुछ स्टैंड वैंड कुछ ऐसा लाया नहीं ट्रैवलिंग के इसमें, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग में कुछ ऐसा ये करना होता नहीं है। ओके, तो बात करूँ, थैंक यू करण जी, और अपनी ये सारी बातें रखी, ये सारी बातें बोली जो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में थी रिगार्डिंग ईशा। बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है, लाइक मैंने पिछले बार भी कहा, जो मनारा का दोस्त नहीं होता उसको कॉल आउट किया जाता है वीकेंड के बार में, ठीक है? तो अभी मुनव्वर मनारा का दोस्त है, तो इस बार मुनव्वर को बहुत ऐसा कुछ अलग नहीं बैशिंग हुआ। एंड बेचारे के साथ थोड़ा सा ये भी हुआ कि आयशा ने इतनी सारी बातें बोली, तो उसका भी एक, उनको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला था। बिकॉज मैं अपने आप को अगर उस पोजिशन में रखूं तो मुझे ऐसा लगता है यार, मैं तो अपने आप के साथ कुछ गलत ना कर बैठूं, ये इतना नेशनल टेलीविजन पे लोग जीना हराम कर देंगे बाहर, लोग चढ़ते, लोग आजकल कितने इनसेंसिटिव बन चुके हैं एंड एवरीथिंग, ओके? तो ऐसा मुझे लगा। फिर नाजिला का कल मैंने कुछ क्लिप्स देखे जहां पे उसने बोला कि मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो ऐसे वैसे, मैं नहीं चाहती, मेरा दोनों इंसानों से कुछ लेना देना, मुझे, मैं नहीं चाहती कि दोनों मेरा नाम ले। वो इक्वली आयशा से भी नाराज है, इसका मतलब आयशा ने भी कुछ झोलमाल गोलमाल कुछ तो किया है सारी बातों में एंड एवरीथिंग। एंड मेरे को भी ऐसा लगा कि नाजिला ने इसके साथ शेयर क्यों किया, बिकॉज इन्हें कैसे पता है क्या ये आयशा ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो ना मुनव्वर भी उसके साथ अगर कुछ बैठे बैठे शेयर करे ना, तो वो जाके खुन्नस में निकाल देती, तूने तो उस दिन बोला था मनारा का ऐसे ऐसे, तूने तो उस दिन बोला था आयशा का ऐसे ऐसे, तो वो डायरेक्टली जाके निकाल देती है, नहीं क्या खुन्नस या भड़ास या जो कुछ भी है। तो सेम चीज हो गया होगा उसका नाजिला के साथ। एक होता है हम कभी बहुत इमोशनल होते हैं, ओके, तो हमको क्या होता है कभी कभी ना, जब अपने बहुत नजदीक है, मुझे बताओ आप आपके पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ गलत सुन सकते हो? है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? बट कभी कभी आपकी पेरेंट्स के साथ ऐसी करती है हमेशा, ऐसी ये ही है वो ही है, इसको तो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, वो करके नहीं क्या उसने तब मेरे को ऐसा बोला था, ये मैं पेरेंट्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज सबसे ज्यादा हम उनको प्यार करते, ओके? बट गुस्से में कभी कभी उनके लिए भी इस तरीके की बातें बोल देते जो हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो सेम वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नाजिला एक इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू गई एंड उसने जाके इससे शेयर किया और इसने वो सारी बातें मुनव्वर के अगेंस्ट यूज किया, अभी उसको लूजर बोला, दोनों ने बोला। मैं मनारा का फिर भी मुझे इतना बुरा इसलिए नहीं लगा बिकॉज मनारा का रीजन था कि ये पहले बहुत आगे आके पॉइंट रखते थे, जो मनारा ने उसको वहां पे भी समझाया, जब नाजिला तुम्हारे बारे में इतना बोल रही हो तुम बोलो तुम अपना पॉइंट रखो, ठीक है? तो मुझे वो ठीक लगा कि उसने लूजर वाले इसमें दे दिया, ठीक है चलो, उसका एक दोस्त है एंड उसका एक बॉन्डिंग है, उसको लगा कि पॉइंट नहीं रखना। बट आयशा अभी जानबूझ के टारगेट करेगी मुनव्वर को बिकॉज बहुत नजदीक है फिनाले, वीकली का पैसा भी मिलता है बिग बॉस से, फेम भी मिल रहा है, जितना टाइम आप रुकोगे उतना टाइम का फेम मिल रहा है एंड एवरीथिंग। तो अभी मुनव्वर उसके नाद में लगे ना लगे, नहीं लग सकता है बिकॉज ये तो ब्लैकमेल करती है उसको, कुछ ज्यादा कुछ कर दिया तो फिर मैं ऐसा करूंगी, मैं ये बोल दूंगी, मैं वो बोल दूंगी एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द रीजन मुझे ये सारी चीजें लगती है कि मुनव्वर तो मोस्ट प्रोबेबली उसको अवॉइड करेगा, बट आई डोंट नो अबाउट दिस गर्ल आयशा। उसका गेम तो मुनव्वर से स्टार्ट होता, मुनव्वर से खत्म, तो लूजर वाला उसने उसको दिया,
जो कि मुझे आयशा लगती है शी इज अ लूजर। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल सा, बाय।